हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम वो टॉपिक लेकर के आए जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि एग्ज़ाम में सर क्या पूछा गया है, पिछली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे गए हैं। और स्पेसिफिकली हम लोग लेकर के आए हैं अपना पहली बार, जिसमें यूनिट वाइज एनालिसिस दे रखी है कि किस किस यूनिट से कौन कौन से तरीके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो हम यूनिट बाई यूनिट चलेंगे, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग यूनिट में किस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दिया गया, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। फ्रेंड्स, बात करने वाले हम लोग CAIIB के एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CAIIB के ABFM का जो एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2024 में, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस जो है, देखिए मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशल थैंक्स हम देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारे साथ क्वेश्चंस शेयर किए कि अपना एग्ज़ाम देने के बाद अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाला और हमको क्वेश्चन सेंड किए कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो उन्हीं डेटा को इकट्ठा करके हमने उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमने आइडेंटिफाई किए और उसी चैप्टर वाइज उसको सेग्रीगेट किया कि किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन स्मार्ट का फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछा गया है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म मैनेजमेंट में क्या होता है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है, क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स होना चाहिए जिसको आपको अचीव करना है। मेजरेबल मतलब गोल दैट इंक्लूड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस एंड सक्सेस, आप अपने गोल को, अपनी सक्सेस को मेजर कर पाओ। अचीवेबल गोल्स दैट आर रियलिस्टिक, ऐसे गोल्स होना चाहिए जो अटेनेबल हो, या जिसको अचीव किया जा सकता हो। ठीक है, रिलेवेंट गोल्स आर अलाइंड विद ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आपको गोल बनाने हैं, यानी गोल आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और टाइम बॉन्ड मतलब कि टाइमलाइन डिसाइड होना चाहिए कितने टाइम में आपको वो गोल को अचीव करना है। तो पहला क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से एक स्मार्ट का क्वेश्चन पूछा। और भी क्वेश्चंस पूछे हैं, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग विदाउट इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर, टीम मेंबर को इंक्लूड किए बिना ही डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसी कौन सी लीडरशिप, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। फिर एक क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये है कि आपको क्लियर डेफिनेशन देते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसका क्या रोल्स रहेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है, इनफॉर्मल में नहीं बताया जाता है, ये चीज़ें ना क्लियरली डिफाइन नहीं होती है। विजन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, विजन स्टेटमेंट किस पे फोकस करता है, विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड एस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज विजन स्टेटमेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा, एक शॉर्ट का क्वेश्चन पूछा है, शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। कई लोग जो एग्जाम दे के आ चुके उनको लगेगा कि सर हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये आपकी जो एग्जाम होती है ना, वो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग शेड्यूल में होती है ना, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होती, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह का पेपर आता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा हो, लेकिन किसी दूसरे अटेम्प्ट में स्टूडेंट से पूछा है, दूसरी शिफ्ट में स्टूडेंट से पूछा है। तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, नून शिफ्ट होती है और इवनिंग, 3 शिफ्ट्स में अलग अलग एग्जाम होती है। एक और क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय की स्किल्स को बढ़ाना, है ना, इस टू इन्हांस एम्प्लॉयज स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। तो ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए यूनिट नंबर 1 से पूछे गए, यानी कई सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी यूनिट नंबर 1 से आए हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर यूनिट प्लानिंग, इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है प्लानिंग का क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भाई प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो प्लानिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, इफेक्टिव प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, इफेक्टिव प्लानिंग हेल्प करती किसमें, मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप डिसीजन ले पाएँ, उसमें प्लानिंग जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और प्लानिंग हेल्प करती है फैसिलिटेट्स गोल प्रायोरिटाइजेशन एंड अलाइनमेंट, आप गोल, मल्टीपल गोल्स है तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि पहले आपको कौन से गोल को पूरा करना है, फिर किसको करना है। तो गोल्स के सिक्वेंसिंग, गोल का अलाइनमेंट, गोल की हायरार्की सेट करने में प्लानिंग हेल्प करती है। तो प्लानिंग से रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्राइमरीली शोज, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या बताता है आपको, द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्ट्रक्चर रहेगा और किस तरीके से अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनेगी, कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, इसका एक और स्ट्रक्चर बनाना, इसका एक ड्राफ्ट बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या बताता है, एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू मल्टीपल मैनेजर्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट एंड फंक्शन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है वो बताता है कि एम्प्लॉय रिपोर्ट सिर्फ एक मैनेजर को नहीं करेगा, उसको अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर को रिपोर्ट करना है। वो डिपेंड करता है उसके पास प्रोजेक्ट कैसा है या उसको क्या फंक्शन एलोकेट किया है। तो हर फंक्शन के अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे कंपनी में देखें तो फाइनेंस मैनेजर है ना, HR मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, अलग अलग तरह के मैनेजर्स होते हैं। तो एम्प्लॉय का वर्क जिससे रिलेट करता है वो उस मैनेजर को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। A strategy that involves entering in new industries on market that are different from company's existing operation is called. ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें नई इंडस्ट्रीज मार्केट में आ रही है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से अलग है, उसको बोलते हैं अपन डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सीफाई करना, यानी नई इंडस्ट्री लेकर के आना जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग काम है उससे अलग। तो कंपनी डाइवर्सिफाई करती है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। फिर यूनिट नंबर 4 स्टाफिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टाफिंग से क्या क्वेश्चन पूछा है, द प्राइमरी गोल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्राइमरी गोल क्या है, सही पर्सन को सही जगह सिलेक्ट करना और रिक्रूट करना। टू रिक्रूट एंड सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पोजीशन, सबसे बेस्ट कैंडिडेट। बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद एक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, ये स्टाफिंग का प्राइमरी गोल है। इसमें से कौन सी स्टेप नहीं आती स्टाफिंग प्रोसेस में, कंपनसेशन एनालिसिस इज नॉट कम्स अंडर स्टाफिंग। देखो एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करना स्टाफिंग का पार्ट है, लेकिन कंपनसेशन तो तब जब एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल बेसिस पे लॉस हो रहा हो तो कंपनसेशन दिया जाता है, वो स्टाफिंग का पार्ट नहीं होता है। फिर एक केस स्टडी भी इससे रिलेटेड पूछी स्टाफिंग से रिलेटेड एग्जाम में। ठीक है, तो केस स्टडी भी किस किस से पूछी है वो भी हम बता रहे हैं आपको साथ साथ में, कि इससे रिलेटेड केस स्टडी आपको पढ़ना है एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं यूनिट नंबर 5 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्वेश्चन पूछा है बार्स का मतलब क्या है ना, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, दिस इज कॉल्ड बार्स। फिर एक क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का प्राइमरी पर्पस क्या है, एमबीओ का, टू सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स इन कोलैबोरेशन विद एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की मदद से ऐसे स्पेसिफिक या मेजरेबल गोल्स को सेट करना, उनको तैयार करना, ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। विच अप्रेजल मेथड, इसमें से कौन सी अप्रेजल मेथड कैरेक्टराइज बाय हैविंग एम्प्लॉई इवेल्युएट देयर ऑन परफॉर्मेंस एंड सेल्फ असेस देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कौन सी मेथड है जहाँ पे एम्प्लॉय खुद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, इवेल्युएट करता है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 6 से कंट्रोलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यूनिट नंबर 6 कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, तो कंट्रोलिंग से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा है, the process of identifying deviation from performance standard and taking corrective action। ये एक डेफिनेशन दे रखी कंट्रोलिंग की और पूछा इसका ये डेफिनेशन किससे रिलेट कर रही है ना, जहाँ पर आप डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से। कोई चीज़ जितना आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो फिर उसको आप करेक्शन करने के लिए कोई एक्शंस ले रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग टेक्निक्स, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल टूल्स यूज्ड टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन सी कंट्रोल टेक्निक, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बजटरी एनालिसिस या बजटरी कंट्रोल बनाते हैं और सारा काम हमारे बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेविएशन फ्रॉम प्लान परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड देयर कॉजेज। कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व करती है, एनालाइज करती है डेविएशंस को, तो वेरियंस एनालिसिस। वेरियंस मतलब वेरी, जहाँ आपने जो मीन बना रखा है, जो एवरेज बना रखा है, अगर आपका डेटा उससे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेरियंस एनालिसिस। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे, जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। यहाँ पूछा है विच टाइप ऑफ फंडिंग इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर ऑन मनी इन स्टार्टअप। जब इन्वेस्टर्स उनका खुद का पैसा स्टार्टअप में लगाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट्स या ओनर्स इक्विटी के बदले जब ओनर पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजल फंड। फिर पूछा सीड फंड काय के लिए होता है। सीड फंड किसी भी न्यू बिजनेस के या प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए होता है। फिर एक वर्ड पूछा है मेजनाइन फाइनेंसिंग किससे रिलेटेड है, जहाँ पर कन्वर्टेबल डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग होती है जो यूज़ किया जाता है बिजनेस के एक्सपांशन और ब्रीच फाइनेंसिंग के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए आपसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूनिट नंबर 7 से। बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, जहाँ पर फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड यूनिट है ये, जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। EBIT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट और टैक्स के पहले कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कंपनी को इंटरेस्ट कितना देना है। मान लो कंपनी को इंटरेस्ट देना है 5,000 रुपये और कंपनी ने इसके पहले 25,000 रुपये कमाए, EBIT 25,000, मतलब 5 गुना जितना ब्याज देना उससे 5 गुना कंपनी के पास अर्निंग है। फिर पूछा लीवरेज बाय आउट का मतलब क्या होता है। जब कंपनी कहीं से लोन लेकर के किसी दूसरी कंपनी को परचेस करती है तो परचेसिंग अ कंपनी प्राइवेटली थ्रू डेट फाइनेंसिंग, यानी डेट से पैसा फाइनेंस करा के किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना, उसको बोलते हैं लीवरेज बाय आउट। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है C डिवाइड बाय EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, यानी फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना आएगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है EBIT। तो इन दोनों की रिलेशनशिप, तो बीच में क्या आ रहा है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। फिर एक क्वेश्चन को और पूछा है Which of the following base describes financial leverage? Financial leverage का मतलब क्या होता है। यहाँ पे financial leverage का होता है EBIT divided by EBT, है ना, यानी earning before interest and tax divided by earning before tax। Interest coverage में क्या था, earning before interest and divided by interest, यहाँ पे earning before tax। Using debt financing to amplify effect of changes in EBIT on earning per share, यानी EBIT में change होने से per share में earning में क्या changes आएगा, इसको आइडेंटिफाई करता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है इन सारे टॉपिक को तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो इन टॉपिक पे हमने सेपरेटली वीडियोस बना रखे हैं। एक टॉपिक से रिलेटेड कई सारे जो हैं वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस, या हमारी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। यूनिट नंबर 10 से क्या पूछा है। यूनिट नंबर 10 है कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हेन इवैल्यूएटिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जब हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो कौन सा फैक्टर को हम सबसे क्रिटिकल मानते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो होती है बार बार चेंज होती रहती है। Which technique is commonly used to manage risk, exchange rate risk in international capital budgeting? ठीक है, कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क को मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग मतलब अपनी रिस्क को रिड्यूस करना है, ठीक है। जब इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो कौन सी मेथड यूज़ करते हैं अपन कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट करेंसीज। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम निकालते हैं अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करके। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए यूनिट नंबर 10 से कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। जब 11th यूनिट पे आते हैं अपन, जो है एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यूनिट नंबर 11 से पूछा गया क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, या अनसर्टेनिटी किस कारण से आती है। तो इनएबिलिटी टू एक्यूरेटली फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लो। अगर आपने फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रॉपरली एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया और गलत कैश फ्लोज को आपने फोरकास्ट कर लिया तो आपके सारे कैलकुलेशंस गलत होने के चांसेस बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा है सिनेरियो एनालिसिस से। सिनेरियो एनालिसिस को क्यों यूज़ करते हैं? ये इवेल्युएट करता है कि अगर डिफरेंट सिनेरियोज आए, मान लो इकोनॉमी में रेसेशन है, बूम पीरियड है, तेज़ी का दौर है, मंदी का दौर है, स्टेबिलिटी का ड्यूरेशन है, तो ऐसे केस में आपके कैश फ्लो भी क्या होंगे, फ्लक्चुएट होंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है रिस्क ऑफ वेरिंग रिटर्न्स ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर इवेंट्स। ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जिसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसके कारण आपने जो कैश फ्लो आइडेंटिफाई किया है वो गलत हो सकता है, आपने जो प्रेडिक्ट किया है कैश फ्लो वो गलत हो सकता है। ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 12 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 12 है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। Which decision making technique involves breaking down a complex decision into a smaller more manageable part। ऐसा कौन सी टेक्निक है जिसमें हम बड़े डिसीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री एनालिसिस। फिर एक क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व्स लिस्टिंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड इवेल्टिंग देम बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरिया। जहाँ पर आप सारे पॉसिबल जितने भी अल्टरनेटिव सबको लिस्ट करते हो और सबको एक एक करके एवेल्यूएट करते हो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस, यानी किस तरीके में कितनी कॉस्ट लगेगी और उससे मिलने वाले बेनिफिट कितने हैं। इसके अलावा केस स्टडी भी पूछी गई है आपसे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 12। जब हम आते हैं यूनिट नंबर 13 पे, जो रिलेट करती कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से, तो इससे रिलेट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच मेथड ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन सॉरी विच मेथड ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज पे बेस्ड, तो जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राइस अर्निंग रेशियो का, ठीक है, जो कॉमन वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, काहे के लिए यूज़ करते हैं अपन, ये इवेल्युएट करती कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन अर्निंग रिलेटिव टू इट्स स्टॉक प्राइस। प्राइस अर्निंग का देखिए, इसका मतलब ये प्राइस मतलब आज के किसी शेयर की प्राइस है 200 और उसकी अर्निंग है 40, इसका मतलब ये है कि 5 टाइम्स आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। 4 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। दैट इज योर प्राइस अर्निंग रेशियो। विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग कंपनीज वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये है आपकी यूनिट नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 14 जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के बेसिस पे है। जब हम इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, डिस्काउंट रेट को हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, एडजस्ट फ्यूचर कैश फ्लो फॉर देयर टाइम वैल्यू, यानी फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो को उसकी टाइम वैल्यू को मैच करते हुए हम आज की तारीख में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करते हैं। अभी डिस्काउंटिंग रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट, चाहे वो 10% हो, 12% हो, 15% हो, कुछ भी हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन DCF। DCF में किसको इंक्लूड नहीं करते, पुराने डेटा को यूज़ नहीं करते, कभी हिस्टोरिकल डेटा में DCF में यूज़ नहीं होता। DCF में हमेशा कौन सा डेटा यूज़ होगा, फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो को हम मेजर करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको अगले साल 8,000, 10,000 और 12,000 रुपये अगले नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आपको रिटर्न मिलेगा, तो NPV कैलकुलेट करना था। NPV का फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो आज का आउटफ्लो तो हो गया 20,000, अब ये तीनों कैश फ्लो का इनफ्लो वैल्यूएट कर लो 5% डिस्काउंट रेट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6566.04। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी मुझे जुकाम हो रहा है जिस कारण से आवाज़ भी थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी, है ना। यूनिट नंबर 15 जो है, बात करते हैं अदर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स की। यहाँ बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। कौन सी पेबैक पीरियड मेथड की लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स कैश फ्लो दैट ऑकर्स आफ्टर पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड में आप तब तक का कैश ही काउंट करते हो जब तक कि आपने जो पैसा लगाया वो आ गया, उसके बाद और अगर पैसा रिटर्न आ रहा है उस प्रोजेक्ट से तो उस पर आप ध्यान नहीं देते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काय के लिए यूज़ किया जाता है, It determines the probability of an investment by comparing net profit to the investment cost. यानी आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। मान लो कोई प्रोजेक्ट है आपका, 5 लाख रुपए आपने उसमें लगाए, ठीक है, और ये आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न दे रहा है। इट मीन्स आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 20%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताएगा? प्रॉफिटेबिलिटी का इन्वेस्टमेंट पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू कंपेयर प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड ड्यूरेशन। अगर किसी प्रोजेक्ट की साइज अलग अलग है, ड्यूरेशन अलग अलग है, तो वहाँ पर हम पेबैक पीरियड मेथड का यूज़ करते हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए। यूनिट नंबर 16 जो है वो स्पेशल केसेस वैल्यूएशन से रिलेटेड है। इन विच वैल्यूएशन सिनेरियो इज द यूज़ ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू मेथड। कहाँ पर लिक्विडेशन वैल्यू मेथड को यूज़ करते हैं? जहाँ पर कंपनी या जो बिजनेस है वो लगभग बेचने के या बंद होने की कगार पे। अगर कोई बिजनेस ऐसी पोजीशन में है कि जिसके एसेट्स को बेचना है या बिजनेस को बंद करना है, तो ऐसे केस में हम लिक्विडेशन वैल्यू का यूज़ करते हैं। यानी आज की तारीख में इन एसेट्स को बेच दें तो कितनी वैल्यू उससे रियलाइज होगी, उस बेसिस पे हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद पूछा आपसे एडजस्टेड नेट एसेट मेथड किससे सूट करती, किसको? कंपनीज विथ सिग्निफिकेंट टेंजिबल एसेट्स एंड लो अर्निंग। ऐसी कंपनी जिसकी लगभग टेंजिबल एसेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो और उनकी अर्निंग्स क्या हो, कम हो, तो वहाँ पर हम नेट एसेट मेथड को यूज़ करते हैं। इन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल विच एडजस्टमेंट इज मेड टू अकाउंट फॉर द रिस्क ऑफ अ कंपनीज कैश फ्लोज बीइंग लेस प्रिडिक्टेबल देन द मार्केट एवरेज। ठीक है, जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे जाते हैं तो कौन सा एडजस्टमेंट किया जाता है कंपनी के कैश फ्लो में रिस्क को मैनेज करने के लिए? तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं रिस्क प्रीमियम टू द डिस्काउंट रेट। यानी डिस्काउंट रेट को में हम रिस्क प्रीमियम को भी उसमें ऐड करके उसका कैलकुलेशन करते हैं। यूनिट नंबर 17 जो रिलेट करती है वो करती है मर्जर, एक्विजिशन और रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। विच टाइप ऑफ मर्जर ऑकर्स व्हेन टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री कंबाइंड टू एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव पोजिशन। अगर दोनों कंपनी सिमिलर है और दोनों एक ही तरह का बिजनेस कर रही है, तो ऐसे मर्जर को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मर्जर। एक एक्विजिशन जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्विजिशन। और अ कंपनी सीकिंग टू अचीव कॉस्ट सेविंग बाय इंटीग्रेटिंग ऑपरेशन विद अदर कंपनीज परसुइंग। यहाँ पर कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी चाह रही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब कंपनी अपना स्केल बढ़ाना चाह रही है या अपनी कॉस्ट को, अपने खर्चों को कम करके किसी कंपनी को मर्ज करना चाह रही है कि जब दोनों कंपनी मिल करके साथ में प्रोडक्शन करेगी तो उनकी कॉस्ट कम लगेगी और सेविंग्स हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखते हुए तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। यूनिट नंबर 18 की बात करते हैं जहाँ पर हम डील स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। ये यूनिट नंबर 18 जो है आपकी डील स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा लीवरेज बाय आउट का मतलब क्या होता है ना, या द मेजोरिटी ऑफ परचेस प्राइस इज फाइनलाइज थ्रू। लीवरेज बाय आउट में लीवरेज बाय आउट का मतलब ये होता है कि लोन लेकर के किसी कंपनी को खरीदना। तो ऐसे केस में आपके पास जो फंडिंग आएगी वो मैक्सिमम कहाँ से आएगी? डेट से, लोन से। और लोन से जो पैसा आएगा इससे आप किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करोगे। The strategy of using existing asset to secure additional capital is known as, ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग असेट को यूज़ कर रहे हो एडिशनल कैपिटल को सिक्योर करने के लिए, इसको बोलते हैं असेट बेस्ड लैंडिंग। तो ये हो गए आपकी यूनिट नंबर 18 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 19 से क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं अपन। यूनिट नंबर 19 जो है वो हाइब्रिड फाइनेंसिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक पूछा है कौन सा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जो ऑफर करता है ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। क्या आप अभी क्या करो, डिबेंचर लो, बाद में हम आपको काय में कन्वर्ट कर देंगे? इक्विटी में। ठीक है, द कंपनी परफॉर्म वेल अदरवाइज रिमेन्स एज डेट। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप अपने डिबेंचर दे के कंपनी के शेयर्स ले लेना, अदरवाइज आप कंपनी के डिबेंचर्स में ही बने रहना। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं अपन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फिर पूछा है एक हाइब्रिड फाइनेंस अप्रोच जो है वो इन्वॉल्व करती सबऑर्डिनेटेड डेट एंड इक्विटी फीचर इज नॉन एज, जहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स होते हैं उसको बोलते हैं मेजनाइन फाइनेंसिंग। मैदान फाइनेंसिंग ऐसी अप्रोच है जहाँ पर डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स होते हैं जिन फाइनेंसिंग। यूनिट नंबर 20 जो है वो स्टार्टअप फाइनेंस से रिलेटेड है। द स्टार्टअप इंडिया हब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कनेक्ट करना स्टार्टअप को विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड मेंटर्स। भाई कोई स्टार्टअप है, उसको फंडिंग की जरूरत है, तो फंडिंग के लिए उसको कनेक्ट कर देना किससे? जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मेंटर्स उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं उससे, उसको बोलते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। ठीक है। और स्टार्टअप इंडिया का जो हब बना हुआ है उसका उद्देश्य ये है कि जिसको फंडिंग की जरूरत है उसको इन्वेस्टर से मीटिंग उसकी करवा देना, उसको मिलवा देना। इन विच स्टेज ऑफ स्टार्टअप इज फोकस टिपिकली ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, कौन सी स्टेज में हम सबसे ज़्यादा किसी प्रोटोटाइप को डेवलप करने में या किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग में या सर्विस की टेस्टिंग में फंडिंग की रिक्वायरमेंट, मतलब इनिशियल स्टेज में, तो उसको बोलते हैं अपन सीड फाइनेंसिंग, सीड स्टेज। फिर एक क्वेश्चन पूछा, एट विच स्टेज डू स्टार्टअप टिपिकली सीक्स टू स्केल ऑपरेशन। जब अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना है, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना है, मार्केट रीच को बढ़ाना है और रेवेन्यू को बढ़ाना है, उसके लिए कंपनी को जब एक्सपांशन करना है तो उसको बोलते हैं सीरीज बी फाइनेंसिंग। ठीक है, ये आपको डिटेल में जब आप नोट्स पढ़ेंगे, डिटेल में जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें यूनिट बाय यूनिट समझ में आएगी। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 21 जो किससे रिलेट करती है? प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्राइवेट इक्विटी टिपिकली इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन। प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट किस में रहेगा? इस्टेब्लिश्ड कंपनीज नॉट लिस्टेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी कंपनी जो इस्टेब्लिश तो हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, वहीं पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। का क्या फीचर है? एक फीचर इक्विटी ऑनरशिप एंड पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न। हम इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट जो करते हैं वो इक्विटी ऑनरशिप लेकर के इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसको, जो कंपनी उनको पोटेंशियल लगती है, जिस कंपनी में हाई रिटर्न्स की उनकी उम्मीदें होती है। और एक केस स्टडी भी पूछी गई है वेंचर कैपिटल से रिलेटेड। आगे बात करते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। यूनिट नंबर 22 ये क्या बोल रही है? इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन एआई टू इनेबल मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। किसी मशीन को प्रोग्राम किए बिना, ठीक है, उसको एआई की मदद से इतना इनेबल करना कि मशीन खुद डेटा को रीड करके कोई सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर ले, तो इसी टेक्निक को बोलते हैं मशीन लर्निंग। जब मशीन खुद पढ़ती है, कहाँ से पढ़ती है? जो डेटा अवेलेबल है उससे स्टडी करके, पैटर्न को, सीक्वेंसिंग को समझ के और उससे कुछ रिजल्ट आइडेंटिफाई करती है, दैट इज़ मशीन लर्निंग। अगर मेडिकल डायग्नोसिस की बात करें तो एआई कैसे हेल्प कर सकता है डॉक्टर्स की? वो एनालाइज कर सकता है मेडिकल इमेजेस को टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज़। भाई कई सारी मल्टीपल इमेजेस उस मशीन्स में ऑलरेडी फीड है और जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इमेज उनको मिलती है तो उसको आइडेंटिफाई करके, एनालिसिस करके बता सकता है। एआई जो है टेक्निक है ऐसी जिसमें आप एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स टूल्स इन हेल्थ केयर ऑफन यूज विच टाइप ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस। कौन से टाइप का डेटा यूज़ करते हैं? तो दोनों स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, दोनों तरह का डेटा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये यूनिट नंबर 22। यूनिट नंबर 23 की बात करें जो बिजनेस एनालिटिक्स और मैनेजमेंट टूल से रिलेटेड है। यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स काय के लिए यूज़ किए जा सकते हैं? एक्सट्रैक्ट इनसाइट एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन। डेटा ड्रिवन डिसीजन बनाने लेने के लिए या किसी भी डेटा के अंदर क्या उसका एक्सट्रैक्ट है, क्या उसका सार है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स टू अनकवर पैटर्न्स एंड ट्रेड। बिग डेटा जो है ये एक ऐसी एनालिटिकल स्टडी है जिसमें आप बड़े से बड़ा डेटा जो है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को आप कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करके और उसको रीड करने की, उसको स्टडी करने की, उसको उससे कुछ रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न्स। यूजफुल पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना और इनसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। बड़े डेटा सेट से कुछ एक्सट्रैक्ट करना कि एक यूजफुल पैटर्न कौन कौन से हैं, इसी को बोलते हैं अपन डेटा माइनिंग। फिर यूनिट नंबर 24 से क्या पूछा गया है? बिजनेस एनालिटिक्स और मैनेजमेंट टूल्स। ये यूनिट नंबर 24 है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड का पर्पस क्या है? ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना जो एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हेल्प करें। एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को कम करना और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो कंपनीज काम कर रही है उसको फंडिंग प्रोवाइड करना ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी? इसका प्राइमरी गोल क्या है? इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट को कम करना और रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाय करना, मतलब कंजर्वेटिव एनर्जी को भरोसा करना, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी के बदले ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल? इनमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है? कोल पावर इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 24। बात करते हैं आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 25 क्या है? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्पेक टिपिकली रेज कैपिटल। स्पेक काय के लिए? हाउ डज स्पेक जो है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी कैसे रेज करती कैपिटल? तो आईपीओ लेकर के आती है, पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आती है और उसके थ्रू पैसा अरेंज करती है। एंड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी? का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करना एंड टेक इट पब्लिक, और उसको पब्लिक कंपनी बनाना, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल एग्ज़ाम का डिटेल एनालिसिस, जिसमें जुलाई 2024 में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और वो इसमें नहीं इंक्लूड किए गए हों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने हमको शेयर किए हमने उसी के बेसिस पे डेटा एनालिसिस करके और उसका ये एक टॉपिक हमने टॉपिक वाइज उसको क्लासीफाई करके आपको क्वेश्चंस बताएं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगेगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, और साथ ही साथ डिटेल में किसी भी चैप्टर को स्टडी करना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट में रहें। motivationalbanker.com वेबसाइट पर जा करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे जिन लोगों ने भी पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं किए वो चाहें तो पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 24/7 उनको वीडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है, सारे टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल है, 1000 से ज़्यादा पर बुक आपके एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, ठीक है, और साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी, हमारी लाइव क्लासेस केस स्टडीज़ की भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एंजॉय योर डे, थैंक यू।